तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को फुल्ली वेरीफाई करेंगे। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या पासवर्ड को डाल के किस तरह से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को फुल्ली वेरीफाई करेंगे। ये दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है। जब तक नहीं दोस्तों आप लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, तब तक नहीं आपके एड्रेस के ऊपर एड्रेस वेरीफिकेशन पिन भेजा जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको जैसे ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ये नोटिफिकेशन दिखता है तो आपको सबसे पहले तो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा अपने आईडी कार्ड वगैरह को डाल के। बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करके पूछते रहते हैं कि इसराइल भाई, हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में इस तरह का नोटिफिकेशन दिख रहा है जब हम लोग अपने आईडी कार्ड वगैरह को डालते हैं तो बार बार ये फेल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है और आप लोग एक बार में कैसे अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्विकली वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी मेहनत आपके एक लाइक और शेयर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि इसका कौन सा सही तरीका है, आपको कैसे वेरीफाई करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फ्रेश गूगल एडसेंस अकाउंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में $84 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के मेन बैलेंस में $10 हो जाता है तभी दोस्तों आपको इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन बटन है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिल का आइकॉन देख रहे हैं, इसके ऊपर भी एक नोटिफिकेशन दिख जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको क्या करना है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक्शन बटन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट का जो सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक रेड कलर का पट्टा देखने को मिलेगा, जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बस यही आपको करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई नाउ का बटन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको वेरीफाई नाउ के बटन के ऊपर करना है क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि इसका कुछ इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने आईडी कार्ड को आप यहाँ से अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी कुछ पॉलिसी है कि आपको किस तरह का कार्ड वगैरह डालना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड डाल सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों पासपोर्ट डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात रही कि नेशनल आईडी कार्ड में आप क्या डालेंगे, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, ये दो में से एक चीज़ ही डालें। पैन कार्ड दोस्तों अगर आप लोग डालोगे तो पहले तो वेरीफाई होता था लेकिन अब शायद वेरीफाई नहीं होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ पे आधार कार्ड डालने वाले हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि इसराइल भाई, हम लोग अपने आधार कार्ड का फ्रंट पेज भी डालें और बैक पेज भी डालें क्या? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इसराइल भाई, हम अपने फ्रंट पेज वाले को डालें या बैक पेज को भी डालना है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अपने आधार कार्ड को कट नहीं किया है तो आप सिंपली अपने फ्रंट पेज को ही स्कैन करके डाल सकते हैं या फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि फ़ोटो खींच के डालें तो ही दोस्तों जल्द से जल्द आपका अकाउंट अप्रूव होगा। अगर दोस्तों आप लोग स्कैन करके डालते हैं तो हो सकता है कि गूगल एडसेंस ये समझे कि भाई इसमें एडिट फिडिट किया गया है, इसीलिए आपको फ़ोटो खींचना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपने जो भी आईडी कार्ड को आप अपलोड करेंगे तो आपका जो फ़ोटो इमेज जो होना चाहिए ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड में जो भी नाम होगा, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी नाम होगा आपको वही नाम सेम टू सेम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा सेम टू सेम आपको डालना है।
अगर दोस्तों थोड़ा सा भी आप लोग अगर चेंजिंग करते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो आपका जो अकाउंट है ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, यानी एक ईमेल देखने को मिलेगा गूगल एडसेंस की तरफ से कि भाई आपका जो है वेरिफिकेशन फेल हो चुका है, आपको दोबारा अपलोड करना होगा। तो चलिए हम फटाफट ये सारा प्रोसेस यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसे छोटा करते हैं, ठीक है। छोटा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पे अपने आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोग फ्रंट पेज अपलोड किए हैं, ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड कटा हुआ है तो आपको बैक का भी यहाँ पे स्कैन करके डालना होगा या फ़ोटो खींच के डालना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है तो उसमें जो भी नाम आपने डाला है अगर आपके आईडी कार्ड से मैच नहीं करता है तो आपको यहाँ पे पेंसिल का निशान देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी चेंज करना होगा और आप भी देख लीजिएगा जो भी आपके आईडी कार्ड में सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारा कुछ सही सही फिल कर दिया है, आपको भी सेम टू सेम करना है। अब दोस्तों हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यानी जूम आउट कर लेते हैं, ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर कर देते हैं क्लिक। आपको सही तरीके से सब कुछ यहाँ पे मिला लेना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सही तरीके से यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कभी कभी आधे एक घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर दोस्तों आप लोग सही सही सब कुछ यहाँ पे फिल किए होंगे तो 100% आपका जो अकाउंट है ये फुल्ली वेरीफाई हो जाएगा बिना कोई टेंशन के। तो हम लोग यहाँ पे गोइट के ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं और इस पेज को भी हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि भाई हमारा जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ से हटा है या नहीं हटा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी तक ये नोटिफिकेशन है ही, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और कभी कभी इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो अगर आपने सही तरीके से सब कुछ किया होगा तो 100% आपका जो अकाउंट है ये फुल्ली अप्रूव हो जाएगा। लगभग 5 मिनट रुकने के बाद चलिए हम लोग अपने जीमेल आईडी को यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं कि भाई गूगल एडसेंस की तरफ से कोई रिप्लाई आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो फटाफट चलिए हम लोग अपने जीमेल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, ठीक है, अभी के डेट में। और सिंपली हम लोग यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइटल ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई आपका जो है आईडी ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि भाई आप लोग लॉगिन करके भी देख सकते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन यहाँ से हटा है या नहीं हटा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आपके एड्रेस के ऊपर कोई भी एड्रेस वेरिफिकेशन पिन नहीं भेजा जाएगा। जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे कोई भी एक्शन बटन नहीं है। अगर हम लोग यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे एक्शन बटन दिखता है, अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्शन बटन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी था हमने यहाँ पे सक्सेसफुल्ली सारा प्रोसेस यहाँ पे कर दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना है, सेम टू सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। 100% दोस्तों आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक बार में वेरीफाई हो जाएगा बिना कोई झमेला के। तो फाइनली फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।